चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दीपावली पूजन के समय जो कहानी सुनी जाती है वो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। जब भी हम दिवाली पूजा करें तो साथ में अगर कहानी सुने तो उसका फल पूरा मिलता है। कुछ दंत कथाएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहली कथा यह है कि एक बार की बात है, एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो ठहरा फिर से लकड़हारा ही, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम हो। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां काटकर शहर में बेच देता और फिर उन्हीं लकड़ियों को काटकर वह खाना बनाने के प्रयोग में लेता। राजा को अपने गुप्तचरों से जब इस बात का पता चला तो उसे समझ आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। यही कारण है कि हम दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक साथ पूजन करते हैं, जिससे हमें धन के साथ साथ हमें योग्यता और बुद्धि भी मिले। दूसरी कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था और नरकासुर एक दानव था। उसके पृथ्वी लोक को उसने बहुत दुख और आतंक फैला रखा था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हमें दिवाली मनाते हैं। एक अलग कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया और लक्ष्मी जी उसे प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। इसके बाद वह एक दरबार में राजा के गया और वहां राजा के मुकुट को उसने नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि साधु ने सांप से राजा की रक्षा की थी। उसी समय साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। जैसे ही राजा और पूरे दरबारी महल से बाहर निकले तो राजमहल खंडर में बदल गया। वह भर भरा कर जमीन पर पूरा महल गिर गया। राजा ने फिर से साधु की प्रशंसा की। इससे साधु के मन में अहंकार आ गया।